मायूस होने की जरूरत नहीं, आप जो है भारी रकम खर्च करने के बजाय एक मर्तबा जो है हकीम साहब के दवाइयों को भी इस्तेमाल कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसके फायदे और फवाइद क्या हैं। नमस्कार, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की टीम पहुंची है आज बैंगलोर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक मुहिम की शुरुआत की गई है हकीम साहब द्वारा, जिसमें हम अलग अलग सिटी में जा रहे हैं, अपने उन पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं जो हकीम साहब के नुस्खे अपनाते हैं, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद को सेहतमंद रख रहे हैं। आपकी इच्छा थी हमसे मुलाकात करने की, हमारी भी इच्छा थी आपसे मुलाकात करने की, आपकी सेहत का हाल जानने की। तो जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही है, अलग अलग सिटी में जा रही है और सारे पेशेंट से मुलाकात कर रही है, तो इसी कड़ी में मैं बेंगलोर तो पहुँची हूँ और बहुत सारे पेशेंट से हम यहाँ पे मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनकी सेहत का हाल। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहूँगी, आज जो पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है ज़िया उल रहमान साहब। जानेंगे हकीम साहब का कौन सा नुस्खा उन्होंने अपनाया, कौन सी दवाई का इस्तेमाल उन्होंने किया, क्या कुछ उन्हें परेशानी थी और अब वो खुद को कितना सेहतमंद महसूस करते हैं, ये सारी खास बातचीत आज हम उनसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। आदाब। आदाब सर, आपकी उम्र कितनी है और आप करते क्या हैं? मेरी उम्र जो है 37 है। मैं इमाम और खतीब हूँ, प्रेस्टीज स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के। ठीक है, घर में कौन कौन है? घर में जो हमारे 5 भाई हैं, माँ हैं, मैं हूँ और हमारी अहलिया और बच्चे हैं। ठीक है, हकीम साहब से आप कैसे जुड़े और आपको क्या कुछ बीमारी थी? हकीम साहब से जुड़ने की वजह और सबब ये हुआ, 2013 को जो है मैं किसी हादसे का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से मेरे जो है दाएं तरफ के पैर का जो है नस चिपक गया था। चिपकने के बाद मैं बहुत सारे जो है हॉस्पिटलों का जो है चक्कर लगाया। मैं वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी के करीब एक शहर है इस्लामपुर, वहीं के रहने वाला हूँ, उत्तर दिनाजपुर के। जब मैं सिलीगुड़ी पहुँचा, वहाँ बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इलाज करने के बाद डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आपको सर्जरी के अलावा आपका इलाज नामुमकिन है। तो सर्जरी में जो है कितना रुपया रकम लगेगा, तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि 1,70,000 तक आपका खर्चा आएगा। ठीक है, दवाई के अलावा। तमाम हॉस्पिटल वालों ने जो है यही बताया कि आपको जो है सर्जरी के अलावा आपका इलाज नामुमकिन है। जी। फिर मैं मायूस हो चुका, जब खर्च के बारे में बताया कि मिनिमम कितना खर्चा आएगा, तो किसी हॉस्पिटल वालों ने 2,00,000, किसी ने 1,80,000। आर केयर और एस केयर जो है मुझे 2 डब्बा दिए। ठीक है जी। देने के बाद मैं कुछ दिन 15 दिन इस्तेमाल किया, फिर थोड़ा सा मुझे दर्द जो है ज़रा कमी महसूस हुआ दर्द में। मुझे 3 महीने का कोर्स मुकम्मल करने के लिए बोले, फिर मैंने एस केयर और आर केयर जो है मुकम्मल 3 महीने का कोर्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्स करने के बाद दर्द जो बहुत ही कम हो गया, मुकम्मल तो कम नहीं हुआ, कम हो गया। इसके बाद धीरे धीरे मैंने बंद कर दिया वो दवाइयाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीना के बाद मेरा दर्द बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो गया। मुकम्मल ख़त्म होने के बाद मैं अपने आप को साबित करने के लिए और इत्मीनान, अपने आप को इत्मीनान और तसल्ली देने के लिए मैंने सोचा अब मुझे जो है चेक करना है कि मैं मुकम्मल सेहतयाब हुआ हूँ या नहीं। इसी गर्ज से मैंने एक कंपनी में जो है वो काम करने लगा। वो कंपनी का रूल्स ये था कि 12 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। चुनांचे मैंने जो है वो कंपनी में जो है 12 घंटा जो है कंटिन्यू काम किया, 3 महीना खड़े होकर। जब खड़ा होकर जो काम किया तो दर्द भी महसूस नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने आप को जो है सेहतयाब महसूस किया, नहीं बिल्कुल मैं मुकम्मल ठीक हो चुका हूँ। फिर मैंने अपने उस्ताद से मशवरा किया कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे 3 महीना मैं खड़े होकर काम किया 12 घंटा। इसके बाद जो है फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत ही खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दर्द भी नहीं है,
तो यानी आपको पैरों की सर्जरी डॉक्टर ने बोल दी थी जी। और अब आपको वो सर्जरी कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। तो आपको मौलाना जी जो हमारा क्लिनिक है बैंगलोर में, वो हकीम साहब की दवाई उन्होंने आपको बताई और उसके इस्तेमाल से अब आप बेहतर हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। क्या आपके अलावा भी कोई और हकीम साहब के नुस्खे या दवाइयाँ इस्तेमाल करता है? जब आप ठीक हुए, आप सर्जरी से बच गए, तो आपने और लोगों तक भी ये खिदमत पहुँचाई और लोगों तक भी दवाइयाँ बताई? जी, उत्तर दिनाजपुर मगरबी बंगाल के एक जो है एक हमारे रिश्तेदार हैं जी। उनके कोई दोस्त है, जब उनसे उसने जिक्र किया हमारे रिश्तेदार ने, तो उसने मेरे नंबर लेकर मुझे बेंगलोर फ़ोन किए। सारी तफसील जानने के बाद उसने बोला कि देखिए, मेरी बीवी के जो है कमर में अक्सर दर्द रहते हैं बहुत दिनों से, इसका इलाज क्या है? मैंने फिर मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब के जो एड्रेस बताया, बताने के बाद फिर उसने वहाँ से इलाज शुरू किया जी। आज से 15-20 दिन पहले वो फ़ोन किए, बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही जो हमारी अहलिया ठीक है। कौन सी दवाई खा रहे हैं वो? जो है एसकेयर और आरकेयर खाए थे। किस चीज़ के लिए? दर्द के लिए। दर्द के लिए खाए वो जी। तो आराम है उनको? आराम है। आराम है जी। ठीक है। कभी आपकी हकीम साहब से बात हो पाई है या फिर डायरेक्ट आप बैंगलोर क्लिनिक पे ही आए थे या कोई प्रोग्राम आप उनका देखते हैं? जी, 2013 को एक मर्तबा बात हुई कोलार में। अच्छा। हकीम साहब आए हुए थे आमने सामने, जिस तरह आप आराम में बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बात भी हुई जी। और जो है मुझे देखे भी, काफ़ी बात देर से बात हुई। इसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मनोहर साहब के साथ मिलकर एक साथ हम लोग डिनर भी किए हकीम का है कि हकीम साहब के साथ मिलकर। अच्छा, हकीम साहब के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं या यूट्यूब चैनल से? जी, जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। तो हकीम साहब की कौन सी सी बात अच्छी लगती है आपको? यूट्यूब में जो है लोगों जो है अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं और हकीम साहब उनका हल बताते हैं, भाई एक्सरसाइज कीजिए, अगर दर्द है वा कोई परेशानी है कौन सी दवाई आपको इस्तेमाल करनी है। तो इससे मैं भी सुनता हूँ तो इसमें अमल कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को भी फायदा भी हो रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जिन लोगों को आपके जैसी ही परेशानी है, जैसे कि आपको पैरों में दर्द, सर्जरी की बात आपने बताई और अब आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जो लोग आपको सुन रहे हैं और अभी तक उन्होंने घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं, हकीम साहब से नहीं जुड़े हैं, या फिर जो बैंगलोर वासी हैं जिन तक आपका ये मैसेज भी जाएगा, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि घरेलू नुस्खे और यूनानी ट्रीटमेंट कितना बेहतर है? मैं यही कहना और ये पैगाम देना चाहता हूँ उन भाइयों को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, देखिए मायूस ना हो, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आप जो है भारी रकम खर्च करने के बजाय एक मर्तबा जो है हकीम साहब के दवाइयों को भी इस्तेमाल कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसके फ़ायदे और फवाइद क्या हैं। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप हजरात के सामने मौजूद हूँ और मेरा जो है मैं बुदीगिर क्रॉस में ही रहता हूँ, तो आप यहाँ आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि वहाँ कैसे हैं कैसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। चलिए, बहुत साल पहले आपके हकीम साहब से आमने सामने बात हुई थी, लेकिन आपका ये जो इंटरव्यू है सर, सबसे पहले हकीम साहब ही देखेंगे। अगर आप अपने मन की कोई बात उनसे कहना चाहते हों तो आप इस इंटरव्यू के ज़रिए कह सकते हैं। हकीम साहब को अब क्या कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दिल की गहराइयों से मैं हकीम साहब को सलाम अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला हकीम साहब का साया हम तमाम लोगों के ऊपर जो है तादेर कायम करें और कायम रखे। अल्लाह ताला हकीम साहब को सेहत कामिला अता फरमाएं। अल्लाह की तरफ से जो है हमारे लिए हकीम साहब हमारे लिए सरमाया है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से एक नियमत है। क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं परेशान था इतना, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था, इतनी परेशानी थी मुझे, मुश्किल से 15 मिनट खड़ा होकर बात नहीं कर सकता था किसी से भी, इतना दर्द महसूस होता था। अब मैं हकीम साहब को अपने शुक्रिया अदा करूँ, हकीम साहब आपका लाख लाख शुक्र है। सबसे पहला शुक्र तो अल्लाह का अदा करूँगा और हकीम साहब का एहसान मंद हूँ कि उन तक जो है मैं किसी के ज़रिए व किसी के थ्रू पहुँच गया चुका और उनकी दवाई से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ जी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मुलाकात करके आपकी सेहत का हाल जान के हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा। हकीम साहब तक ये बात आपकी ज़रूर पहुंच जाएगी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना ज़ियाउर रहमान साहब को, जिन्होंने बताया कि ऑपरेशन की नौबत से वो बच गए हैं। पैरों में बहुत सारी तकलीफ थी, लेकिन हकीम सुलेमान खान साहब का नुस्खा अपना के, हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करके उन्होंने सब्र रखा और अब वो सेहतमंद हैं और ऑपरेशन से वो बच गए हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी और लोगों की खिदमत कर सकते हैं हकीम साहब के नुस्खे बता के, और ख़ुद को भी आप स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।